नमस्कार, पुनः स्वागत और अभिनंदन सृजन नवाचार में। अपने वादे के मुताबिक फिर नई शिक्षण योजना कक्षा 3 विषय संस्कृत और प्रकरण चित्र पाठ 1 को लेकर मैं उपस्थित हुई हूँ। देखिए, वही शिक्षण योजना, दिनांक, कक्षा, विषय, अवधि और चक्र सेम वही कॉलम। फिर यहाँ लर्निंग आउटकम, चित्रों के माध्यम से बच्चे पशु पक्षियों आदि के नाम को हिंदी से संस्कृत में बता लेते हैं। पुस्तक में अंकित नामों को शुद्ध उच्चारण कर लेते हैं। प्रकरण चित्र पाठा, सीखने सिखाने की सामग्री, पुस्तक दीक्षा ऐप पर उपलब्ध शैक्षणिक सामग्री, पाठ को दर्शाता चार्ट एवं चित्र, सीखने सिखाने की प्रक्रियाएं एवं गतिविधि, चरण, अवधि, आकलन विधि, प्रथम चरण वार्तालाप, अवधि 5 मिनट, आकलन विधि अवलोकन। शिक्षक पुस्तक में अंकित चित्र बच्चों को दिखाते हुए कुछ प्रश्न पूछेगा। बच्चों यह क्या है, बच्चों यह क्या है, बच्चों यह क्या है। इस तरह से जब आप प्रश्न पूछेंगे तो बच्चे उसको समझ जाएंगे। शिक्षण प्रारंभ, 10 मिनट। बच्चों, आज हम लोग प्रकरण चित्र पाठ 1 के माध्यम से संस्कृत के छोटे छोटे शब्दों को बोलना और पढ़ना सीखेंगे। पुस्तक में दिए सभी चित्रों का नाम आपको हिंदी में पता है, उन्हें संस्कृत में जानेंगे। तत्पश्चात पाठ में लिखित संस्कृत नामों को हिंदी में बताया जाएगा, साथ ही साथ वचन लिंग संज्ञा की सूक्ष्म जानकारी भी देते चलेंगे, जिसके कारण आगे कक्षाओं में लाभ होगा। संस्कृत शब्द, और यहाँ देखिए हिंदी शब्द मैंने लिखा है, ये पूरे आपके जो पाठ में अंकित हैं उसको इस तरीके से आप लिखिए और बच्चों को समझाइए और बार बार बोलने को कहिए। फिर वहाँ आगे यहाँ देखिए, यहाँ पर बचे हुए जितने भी शब्द हैं आपकी पुस्तक में, इस तरह से आप लिखिए, बच्चों को बार बार इसका अभ्यास कराइए, क्योंकि शुरू की कक्षाओं में उनको संस्कृत सिखाया जा रहा है। फिर यहाँ देखिए, चरण शिक्षण का मध्य, अवधि 10 मिनट, आकलन विधि। बच्चों, आज आपने हिंदी अंग्रेजी के साथ एक और भाषा संस्कृत के शब्दों को सीखा। शिक्षक प्रश्नों के माध्यम से उसे कितना समझ में आए जानेगा। तितलिका को हिंदी में क्या कहते हैं, बागीचा को संस्कृत में क्या कहते हैं। फिर शिक्षण के पश्चात शिक्षक इन शब्दों को बार बार पढ़ेगा, जिससे बच्चों में शुद्धता की समझ विकसित हो। हिंदी संस्कृत से उत्पन्न हुई है, यह हिंदी की माँ है। अगर हिंदी जानना है तो माँ को समझना पड़ेगा। गतिविधि, शिक्षक एक एक शब्द को संस्कृत में बोलेगा, बच्चे उसकी हिंदी बताएंगे, फिर सारे बच्चे सारे शब्दों को गीत बनाकर गाएंगे। गृहकार, सभी बच्चे उत्तर पुस्तिका में चित्र बनाकर शब्द अर्थ को हर एक चित्र के सामने लिखकर लाएंगे। आगामी कार्य योजना, बच्चों को इस नए विषय में आनंद आए, इसको देखते हुए आगामी कार्य योजना का निर्माण किया जाएगा। धन्यवाद।